सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने उज्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई किया। क्या बात है, चेक करें भाई। देखने दीजिए ना, हमारे जेएनयू के बहुत सारे लोग शर्मीले हैं, है ना। वे जब भी मैं फुर्सत मिलता तो यहीं पर चाय वाय पी लेता हूँ। एक अंकल थे जो चाय देते थे, वो कहाँ चले गए? अभी आने वाले। तो ये वो स्थान है जहाँ हम अक्सर शाम को चाय, पानी, कॉफ़ी, अंडा, दूध, मछली खाया करते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं हैं क्योंकि ज़माना बदल गया है। चाय है और ये ब्रेड पकौड़ा है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, एक नए सीरीज पर। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने उज्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई किया, उसमें कितने पैसे लगे, उसमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी और कितना समय लगा इस वीजे को प्राप्त करने में। सो चलिए हम एक जगह बैठ के आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे। 47% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। सो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बल्कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब कर देने से हमें बहुत हौसला मिलेगा, हमें बहुत काम करने में मज़ा आएगा, वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। उज्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा पाने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा एक छोटा सा काम, और मोबाइल से भी सारा काम कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप ना हो तो। कि अगर आपके दोस्त यार या किसी अगल बगल से आप लैपटॉप अरेंज कर सकते हैं तो आप वैसे भी सारा काम कर सकते हैं। एनीवे, आते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उज्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा जैसे ऐसे करना है कि उसके लिए आपके पास 3 तरह की चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपके पास पासपोर्ट होने चाहिए कुछ इस तरह का। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने बची होनी चाहिए। दूसरा, फोटोग्राफ्स होना चाहिए जो इस तरह के डायमेंशन में हो, 35x45 mm। तीसरा, $21, ठीक है, होने चाहिए। हालांकि $20 लगता है लेकिन $1 सर्विस टैक्स लगती है उज़्बेक गवर्नमेंट की तरफ से। तो और वीज़ा, मास्टर कार्ड, किसी भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई अप्लाई कैसे करना है, क्या कुछ होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो चलिए हम आपको सीधा लैपटॉप के स्क्रीन पर ही लेकर चलते हैं कि कैसे आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बता दूं, ये मेरा लैपटॉप नहीं है, ये किराए पर लिया गया है कुछ समय के लिए। फिलहाल मेरी वीडियो यहाँ पे चल रही है तो इसमें जाता हूँ मैं। दूसरा टैब खोलता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिख देना उज्बेकिस्तान ई वीज़ा। क्लिक करने के साथ सबसे पहला जो वेबसाइट है, ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, यहाँ पे क्लिक किया, दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा, दूसरा एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा। यहाँ जाने के बाद 6 स्टेप डालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में सबसे पहला है सिटीजनशिप, कि आप किस देश के नागरिक हैं, उसमें डालना है इंडिया। किसी और कंट्री से हैं तो उस देश का नाम डालना है। डॉक्यूमेंट में डालना है पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। पर्पस ऑफ विजिट, टूरिज्म। इसका जो वेबसाइट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन हम ओरली आपको बता दूँ कि यहाँ पर कंट्री डालना है, यहाँ पे तारीख डालना है जिस तारीख को आप जाओगे, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है जो पासपोर्ट में लिखा है उसी आधार पे, इवन पासपोर्ट डिटेल्स भी डालनी है, पासपोर्ट नंबर, सारा कुछ डालना है वैसे ही जैसे आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। नंबर 4 पर आता है फोटो एंड पासपोर्ट, ठीक है, यानी फोटो और पासपोर्ट को स्कैन करना है। तो फोटो का साइज इतना होना चाहिए, 35x45 mm, और पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, 500 KB के आसपास होना चाहिए। तो उसके बाद एक्टिवेशन, इसमें फिर आपको ईमेल आईडी डालना होगा, अपना वीज़ा आएगा वो ईमेल आईडी डालना है। उस ईमेल आईडी पर जाइएगा तो उस पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो फिर वो रीडायरेक्ट करेगा आपको पेमेंट पेज पर। इस पेज पर जाइएगा, पेमेंट कीजिएगा मास्टर या वीज़ा कार्ड से जो भी आपके पास है। पेमेंट है $20, यानी $20 जो INR में 1800 के आसपास होता है, और $1 एक्स्ट्रा कटेगा टैक्स,
होता है जो गवर्नमेंट वहाँ की चार्ज करती है। सारा प्रोसीजर है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। जब आप अप्लाई कर दोगे और अप्लाई करने के विद इन तीन दिन के भीतर वीज़ा आ जाता है, तो वीज़ा को आप जब अप्लाई कर दोगे उसके बाद कैसे चेक करना कि आया कि नहीं आया, तो जो मेल आपने डाला था उस मेल पर आपको एक संदेश आएगा कि एप्लीकेशन स्टेटस होता है, यहाँ जाके क्लिक करना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे एक कोड आता है ईमेल पर, जो ईमेल आपने दिया वो कोड आता है कुछ इस तरह का, कोड आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, और फिर ये वाला कैप्चा कोड डालना, फिर उसके बाद चेक स्टेटस पर जाना कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं। 90.99% हो जाता है, ऐसा बड़ा रेयर केस होता है जो किसी का नहीं हो। तो देखा आपने कैसे हमने ऑनलाइन कर दिया सारा कुछ, और जब कभी आप भी 2-3 बार ट्राई करना, अगर नहीं खुलता है तो आप फिर से ट्राई करना। ये रहा हमारा उज़्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा, जो कि इसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा बोलते हैं। 3 दिन का वादा करते हैं लेकिन 3 दिन में होता नहीं, कम से कम मेरे केस में 8 दिन लग गए, लेकिन आम तौर पर 3 दिन ही लगता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।